नमस्ते दोस्तों, जय आसाम ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग है अरुणाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं चारों तरफ का नजारा, इतना सुंदर सुंदर झरना है, पानी है। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया है अरुणाचल का नदी, कितना सुंदर। मतलब ये वेदर जो है ठंडा है, लेकिन अभी गर्मी का समय है, लेकिन वेदर बहुत ठंडा है। और अभी सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं इसी समय में। दोस्तों सभी लोग बड़े बड़े मन्नतें करते हैं, दूसरे दूसरे तीर्थ स्थान पर जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ में। तो अभी हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाया। तो देखिए अभी हम लोग एक ऐसा जगह पर हैं जहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ की तरह ही एक ऐसा मंदिर है जो कि खुद से उत्पत्ति हुआ है। तो इस मंदिर में हमने पहले कभी नहीं गया है, आज फर्स्ट टाइम है। मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके आया है यहाँ पे, तो बच्चे भी हैं साथ में। और मंदिर आप देख सकते हैं बहुत बहुत ऊपर है, थोड़ा दिखा दीजिए उधर में। तो दोस्तों देखिए लोग ऊपर में चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है लोगों को, थोड़ा जूम करके दिखाइए। हमको तो लगता है जैसे केदारनाथ में जाते हुए लोग ऐसे ही मतलब जाते हैं पहाड़ी में, शायद यहाँ पे भी सेम वैसा ही लगेगा शायद। तो दोस्तों अभी चलेंगे हम लोग ऊपर में, और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में। नया नया मंदिर हमारे लिए तो नया है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए पुराना ही है। तो अभी जाएंगे, सब चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर में। क्या बोल के जाना है बेटा? सब जगह 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 देखो पत्थर का ढेर होगा। आराम आराम से चलना है बेटा। हाँ बेटा। तो दोस्तों काफी ऊपर में चढ़ाई करना पड़ेगा अभी, थोड़ा सा अभी 10 सीढ़ी जैसा हमने चढ़ाई किया है और सांस फूलने लगा है। अभी और ऊपर जाना है, तो ऐसे करके बच्चा भी जा रहा है बहुत फुर्ती से, छोटा बच्चा। ओम नमः शिवाय बोलते चलो बेटा, आराम से जाना। हाँ मोही मोहियर बाबू, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। आराम से चलना है, नहीं चलना है। इस पर में भी छोटा सा एक मंदिर है, देखिए साथ में हस्बैंड भी जा रहे हैं। नमः शिवाय। धीरे धीरे से सबके साथ चलना है। नमः शिवाय बाबू। नमः शिवाय। सबके साथ चलने में बताओ। नमः शिवाय। 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 पूरा पूरी नहीं करना, नमः शिवाय पूरी नहीं करना बेटा, एकदम समय समय से चलना है। नमः शिवाय। ऊंचाई है ना, नमः शिवाय। या मैं खिसक लिए से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समय से चलो, कोई बात नहीं, समय समय से चलो, धीरे धीरे एकदम आराम आराम से। हां नमः शिवाय। लीजिए अभी। हाँ चाहिए था। रुक जाओ, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ।
देखो बेटा बाबू। हाय दोस्तों, हम लोग और ऊपर जाने वाले हैं। तुम लोग तो दोस्तों देखिए, ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से अभी जाना पड़ेगा हम लोग को ऊपर में, और एकदम छोटा सा रास्ता है। वो तो कहीं कहीं सीढ़ी है, कहीं कहीं सीढ़ी भी नहीं है, कहीं कहीं सीढ़ी है और कहीं कहीं सीढ़ी नहीं है बताया जा रहा है। तो देखिए सीढ़ी के एकदम किनारे से देखिए, अगर अचानक से अगर पैर फिसला तो नीचे चले जाएंगे, तो बहुत सावधानी से आना पड़ेगा दोस्तों। वो देखिए रोड, वो कार दिखाई दे रहा है, कार के पास में हम लोग का बाइक खड़ा है, और अभी बहुत सावधानी से ऊपर में जाना पड़ता है। हमको तो लगता है केदारनाथ का रास्ता भी बहुत चौड़ा होगा, लेकिन ये रास्ता चौड़ा भी नहीं है, एकदम गली की तरह है दोस्तों। देखिए एकदम गली की तरह, गली के बगल से देखिए पहाड़ी है, नीचे में जाता है। तो अभी बहुत सावधानी से हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं ये लोग भी थका नहीं है दोस्तों, इतना ऊपर जा रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जॉब करते हुए, वो लोग भी थका नहीं है दोस्तों। ओम नमः शिवाय का जॉब करते हुए ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो रास्ता ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग, अभी कुछ ही दूर और है, काफ़ी ऊपर उठ गए हैं हम लोग, तो सांस फूल रहा है। मुझे लगता है मैं आप लोगों से ज़्यादा बात करने से अच्छा है मैं ओम नमः शिवाय का जप करूँ। ओम नमः शिवाय, 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 चालू है। यहाँ का एक मान्यता है, जो कोई भी कुछ भी मन्नत मानता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और उसके लिए वो क्या करता है, मन्नत मांगने का तरीका है, वो कुछ पत्थर एक जगह में टीला बनाता है। आप इधर देख सकते हैं ढेर सारे टीले बनाए गए, यहाँ में है, वहाँ में है, वहाँ में है, यहाँ में है, जगह जगह में आपको पत्थरों के टीले दिखाई देंगे। ये इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने मन्नतें मांगी है, जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी तो वे आएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे और इन पत्थरों को फिर हटा देंगे उनके स्थान से। तो इस मंदिर का नाम कौरव मंदिर सुना है हमने, इसको कौरव मंदिर बोलते हैं, लेकिन ये महादेव जी की मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, ये मन्नत मांगा गया है इस तरह से, और ये माना गया है जो भी सच्चे मन से यहाँ पे मन्नत करते हैं उनका मन्नत जरूर पूरा हो जाता है, और मन्नत पूरा हो जाने के बाद में इस पत्थर को हटा दिया जाता है। तो मैं भी कुछ मन्नत करने वाली हूँ, और मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, सांस फूल रही है। अभी कहाँ जाना है और किधर रास्ता? इधर में रास्ता है, हम सोचा यहाँ पे लास्ट मंदिर है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बैठने की जगह बनाया गया है, इन मेमोरी ऑफ लेट नस्टिक देवी राय डेड ऑन 30 अगस्त। कोई इसमें डेथ हुआ था लेट गुरु? अच्छा, उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है, याद रखना है, तुम्हारा मन्नत पूरा होने से फिर यहाँ आना पड़ेगा, आ करके फिर बाबा का दर्शन करना पड़ेगा, फिर उसको हटा देना पड़ेगा। दोस्तों ये यात्रा केदारनाथ से भी कम नहीं है, बहुत कठिन यात्रा है, और बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश। इस बारिश में देखिए हम लोग कैसे पत्थर में कर करके ऊपर चढ़ रही है, सभी लोग सांस फूल जा रहा है, फिर भी चल रहे हैं। इसी से ये सीख मिलती है दोस्तों, कोई भी चीज़ पाना हो तो इतना आसान नहीं है, भगवान तक पहुंचने के लिए भी बहुत कठिन मार्गों से जाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है भगवान से मिलना भी। लोग केदारनाथ की यात्रा करते करते दम तोड़ देते हैं, और ये देखिए एक ऐसी यात्रा है, शायद ही आप लोग अरुणाचल में बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मोहिनी ने भी छाता खोल दिया है, बारिश हो रही है दोस्तों,
तो चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन किसी भी हालत में तो ऊपर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ओम नमः शिवाय। आजा बेटा तुम आगे जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 हाथ दीजिए बाबू, और तुम ऊपर चला जाओ बेटा थोड़ा सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चा का हाथ पकड़िए, बच्चा का हाथ पकड़िए। ओम नमः शिवाय। बारिश हो रही है दोस्तों। ओम नमः शिवाय। चलते रहिए एकदम किनार किनार। बच्चा को लेके नहीं आना चाहिए था क्या? बच्चा लेना, बहुत बड़ा रिस्क है, बच्चा लेके आया रे हम लोग तो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मोही भगवान का नाम लेते चलो बेटा। ओम नमः शिवाय। 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 हम दो चीज़ एक साथ में नहीं पकड़ पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी कैमरा चालू रखना सही नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटी है, ऊपर में चढ़ना पड़ रहा है। तो अभी कैमरा को हम बंद करते हैं, पहले चोटी में पहुंच जाते हैं ऊपर में, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही दुर्गम रास्ता है दोस्तों, बच्चा दोनों को लेके आया है इसलिए संभालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोबाइल नहीं पकड़ पाएंगे, तो मोबाइल हम अभी स्टॉप करते हैं।